प्यारे भारतवासियों, क्या आप बैटरी से चलने वाली गाड़ी चलाते हो? तो सबसे पहले आपका धन्यवाद प्रकृति को संवारने में आपके योगदान के लिए। पर आप बार बार बैटरी चार्ज करना, बदलना जैसी कई समस्याओं का सामना करते हैं। आप जब पर्यावरण के बारे में इतना सोचते हैं तो आपकी सहूलियत के बारे में सोचा है भारत सरकार ने, इसलिए इंडियन ऑयल और सन मोबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं क्विक इंटरचेंज स्टेशंस, QIS। ये स्टेशंस होंगे हर तरह से टेक्निकली एडवांस्ड और बेहद ही कन्वीनियंट, मतलब कि पहले की तरह बैटरी चार्जिंग के लिए घंटों का इंतजार खत्म होगा। साथ ही इन स्टेशंस पर एक डिस्पेंसर में होगी प्री चार्ज्ड बैटरीज। इलेक्ट्रिक वाहन यूजर्स को अपने वाहन की बैटरी निकालकर इस मशीन में रखनी होगी। इसके बाद उस बैटरी की क्षमता और पावर यूसेज की जांच होगी, जिसके बाद एक बिल जेनरेट होगा और ग्राहक को मिलेगी नई बैटरी। है ना, बेहद ही आसान प्रोसेस, बिल्कुल एक ATM से पैसे निकालने जितना। वैसे इस पूरे प्रोसेस में लगेगा मात्र 1 मिनट का समय, मतलब कि एक गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने से भी कम समय। सोलर एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, दे आर इमर्जिंग एज सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट्स फॉर ट्रेडिशनल एनर्जी फॉर्म्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप इंडियन ऑयल की ये शुरुआत रिन्यूएबल एनर्जी और बेहतर भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है, जिससे आने वाले समय में पोल्यूशन को कम किया जा सकेगा और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सकेगा। और इन सभी फायदों और ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और छोटे वाहन चालकों को ध्यान में रखते हुए NCR, चंडीगढ़, बेंगलुरु, अमृतसर और कुछ अन्य शहरों में 20 IOCL पंप्स पर क्विक इंटरचेंज स्टेशंस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ आज चंडीगढ़ से करने जा रहे हैं श्री VP सिंह बदनौर, पंजाब के राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक, और श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय। क्विक इंटरचेंज स्टेशंस QIS।